जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एनडीए 2022 यानी कि एनडीए 150th कोर्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसकी जानकारी मैं आपको पिछले ही वीडियो में प्रोवाइड कर दिया हूं। और आपको आज का इस वीडियो का मेन टॉपिक आपने थंबनेल से ही गेस कर लिया होगा कि आपको इस वीडियो में इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो कंप्लीट पीडीएफ जहां से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपने अपना रिजल्ट अभी तक चेक नहीं किया है तो किस तरह से चेक करना है, सबसे पहले आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फास्ट ट्रैक डिफेंस ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे रिजल्ट का पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। तो आपको उस पीडीएफ पे क्लिक कर लेना होगा। जब आप उस पीडीएफ पे क्लिक कर लेंगे और ओपन करेंगे तो ये कंप्लीट रिजल्ट का पीडीएफ आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि यूपीएससी का साइट पे अभी सर्वर बिजी चल रहा है। सर्वर बिजी इसीलिए चल रहा है क्योंकि जब कई सारे कैंडिडेट एक ही बार जब उस पर अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो सर्वर बिजी ही चलेगा। तो इसी के लिए आपको मैं रिजल्ट का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया हूँ जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आगे का प्रोसेस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कैंडिडेचर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हुज रोल नंबर इज शोन इन द लिस्ट इज प्रोविजनल इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ देयर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे जो ब्लैक में हाईलाइट करके मेंशन कर दिया गया है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द ज्वाइन इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग वेबसाइट दैट इज joinindianarmy.nic.in within 2 weeks ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द रिटर्न रिजल्ट। द सक्सेसफुल कैंडिडेट वुड बी अलॉटेड SSB सेंटर एंड डेट ऑफ SSB इंटरव्यू विच विल बी कम्युनिकेटेड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। एनी कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। मतलब बेसिकली मैं आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझा देना चाहता हूँ लेमन टर्म में। अगर आपने फर्स्ट टाइम यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, मतलब फर्स्ट टाइम एनडीए का एग्ज़ाम दिया है और आपने फर्स्ट टाइम एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो उस केस में आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर रजिस्टर करना होगा। और अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है TS एंट्री के लिए हो या कोई और एंट्री के लिए या फिर पिछले एनडीए एंट्री के लिए तो आपको इस बार आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर कुछ नहीं करना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे जो आप ईमेल आईडी यूज करेंगे, ईमेल आईडी आपको वही यूज करना है जो आपने यूपीएससी के फॉर्म फिलअप के टाइम में दिया था। मतलब जब आप यूपीएससी एनडीए 2022 का फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस केस में जो आप ईमेल आईडी दिए थे सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे एग्जैक्ट टाइमिंग दिया है कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का दिन इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। Within 2 weeks of the declaration of the result, you have to register yourself on the Joint Indian Army site. मतलब 15 दिन के अंदर within 15 days आपको इस Joint Indian Army के साइट पर रजिस्टर कर लेना है। अगर आप 15 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो आपका SSB का कॉल लेटर भी नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर आपको कई सारे परेशानी भी झेलने पड़ सकते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि Joint Indian Army के साइट पर रजिस्टर किस तरह से करना है क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है, तो इसके लिए आपको हमारा इस प्लेलिस्ट पर आना होगा। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये जब आप इस चैनल पे आएंगे तो आपको इस चैनल पे इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है इधर, तो यहाँ पे इस टाइप का आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। इसी प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी रजिस्ट्रेशन, टोटल 11 वीडियो है। इस 11 वीडियो में आपको जितने सारे डाउट्स आते हैं कि आपका अगर ईमेल आईडी चेंज करवाना हो, आपको जो अलाउंसेस होते हैं वो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको फिल करना हो, ट्रेन टिकट बुक करना हो, सारे डाउट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो जब आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। थोड़ा भी इंटरनेट का इधर प्रॉब्लम है, तो आपको कौन सा वीडियो चेकआउट करना है मैं आपको अभी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि किस वीडियो में मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा हूँ कि जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पर किस तरह से डिटेल में रजिस्टर करना है।
तो बेसिकली आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हाउ टू रजिस्टर ऑन जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट फॉर SSB इंटरव्यू, ये वाला आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका कुछ डाउट हो तो यहाँ पे डाउट से रिलेटेड भी, यहाँ पे अगर आपका कुछ डाउट हो, अब जैसे कि आपका आधार नंबर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर बैंक डिटेल्स का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर डेट सिलेक्शन लिंक का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस केस में आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। या फिर कोई और प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी बना रखा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस शॉर्ट्स वीडियो में आपको किस तरह से जॉइन इंडियन आर्मी पे अप्लाई करना है और NDA 1 2022 का SSB डेट सेलेक्ट करना है, साथ साथ किस तरह से बैंक डिटेल्स, जर्नी डिटेल्स, डेट सिलेक्शन लिंक वगैरह सेलेक्ट करना है आपको इस शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा। साथ साथ इसी तरह से मतलब जितने सारे आपको यहाँ पे डाउट्स आते हैं जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पर रजिस्टर करने में, सारे डाउट आपको इस प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और जो रिजल्ट का PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से चेक कर सकते हैं। वैसे कल के दिन में मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लाऊंगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पर रजिस्टर करने में, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और इस कमेंट को लेकर मैं कल या फिर परसों एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको जितने सारे डाउट्स होते हैं कंप्लीट डाउट उसमें सॉल्व हो जाएगा। साथ साथ अगर आप अपना SSB का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो SSB को लेकर भी मैं कुछ वीडियोस बनाया हूं कि आप घर पे रहकर ही SSB को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे SSB प्रिपरेशन का जो प्लेलिस्ट है हमारा, उस प्लेलिस्ट को भी आपको चेक करना होगा। तो बेसिकली अभी यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ यहाँ पे आपको दिक्कत आ रहा होगा, तो आप इसी तरह से हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये SSB प्रिपरेशन का प्लेलिस्ट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने सारे वीडियो मैं SSB से रिलेटेड बनाया हूँ कि किस तरह से आपको हाउ कैन यू प्रिपेयर योर सेल्फ बींग एट होम। अब जैसे कि यहाँ पे मैं OIR को लेकर वीडियो बना रखा हूँ, साथ साथ OIR के अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो OIR में अलग अलग सेट्स आते हैं। OIR आपका फर्स्ट डे होता है जब आप SSB देने जाएंगे, पहला दिन आपका OIR मतलब ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा। इस केस में आपको कई सारे सेट्स, दो सेट दिया जाएगा, एक वर्बल का एक नॉन वर्बल का, तो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं लगभग 5 या 6 सेट बना रखा हूँ तो आप 6 सेट यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ इसके अलावा जो हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSB बीइंग एट होम आप यहां भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ मतलब आपको जितने सारे डाउट्स आपके SSB में आते हैं, और ये वाला वीडियो आप जरूर चेकआउट करना, बेस्ट एंड करेक्ट वे टू फिल PIQ फॉर्म। PIQ फॉर्म आपको कब दिया जाएगा, जब आप SSB में जाएंगे और जब आपका फर्स्ट डे क्लियर हो जाएगा, तो फर्स्ट डे के क्लियर होने के बाद आपको PIQ का फॉर्म दिया जाएगा। तो आप PIQ फॉर्म किस तरह से फिल करना है आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मतलब SSB को भी लेकर आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना, और वरना आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्होंने NDA का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ताकि उनको भी पता चले कि जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पे किस तरह से रजिस्टर करना है। और आप भी रजिस्टर कर लेना, कल या परसों तक आपको रजिस्टर कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।